सभी विद्यार्थियों को जय हिंद। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग सिविल सेवा परीक्षा के अंतर्गत फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र पढ़ेंगे और दर्शन शास्त्र के तहत हम लोगों ने दर्शन शास्त्र में हम लोगों ने धर्म दर्शन को चुना है और धर्म दर्शन के तहत हम लोग ऐसे विषय को चुनेंगे जो एक ब्रॉड नेचर का हो, विस्तृत नेचर का, और उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग ले रहे हैं, आत्मा की अमरता, इमोर्टेलिटी ऑफ सोल, या आत्मा का अमरत्व। धर्म दर्शन का एक महत्वपूर्ण विषय है आत्मा की अमरता। अब आत्मा की अमरता है क्या? और आपको यह भी जान के आश्चर्य होगा कि भारत में बौद्ध धर्म और चार्वाक दर्शन, बौद्ध धर्म और चार्वाक दर्शन को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग भारत के सभी धर्म आत्मा की अमरता में विश्वास करते हैं। और वास्तव में भारतीय सनातन धर्म में आत्मा को अमर भी माना गया, यानी मृत्यु के बाद भी किसी न किसी रूप में आत्मा का अस्तित्व रहता है। इसी धार्मिक, मृत्यु के बाद भी किसी न किसी रूप में आत्मा का अस्तित्व रहता है, इसी धार्मिक विश्वास को क्या बोलते हैं? आत्मा की अमरता, इमोर्टेलिटी ऑफ सोल। अगर चार्वाक दर्शन को छोड़ दिया जाए और भारत में बौद्ध दर्शन को छोड़ दिया जाए, क्योंकि बौद्ध धर्म दर्शन में आत्मा के अस्तित्व को उसी प्रकार हास्यास्पद माना गया है जैसे किसी कल्पित सुंदर रमणी में विश्वास को हास्यास्पद माना जाए। एक कल्पित सुंदर रमणी में जिस प्रकार विश्वास करना हास्यास्पद है, उसी प्रकार जो है आत्मा की अमरता और आत्मा के अस्तित्व को भी हास्यास्पद माना गया। अभी एक आश्चर्य की बात रही कि महात्मा बुद्ध ने आत्मा की अमरता को स्वीकार नहीं किया, आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, फिर भी उन्होंने पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत को स्वीकार किया है। यह आश्चर्य की बात है कि महात्मा बुद्ध ने अनात्मवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अनात्मवाद के सिद्धांत के प्रतिपादन के बाद भी उन्होंने उन्होंने कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया। पुनर्जन्म को माना, ये नहीं बता पाए कि पुनर्जन्म हो किसका रहा है। बस यही कहा, जैसे एक दीपक से दूसरे दीपक को जलाया जा सकता है, एक दीपक की अंतिम लौ किसी अन्य दीपक के प्रारंभिक लौ का कारण बनती है, उसी प्रकार ये आत्मा की अंतिम अवस्था से किसी आत्मा की प्रारंभिक अवस्था का निर्माण भी हो सकता है। लेकिन भारतीय दर्शन की विचारधाराओं में अन्य अगर चार्वाक और बौद्ध को छोड़ दिया जाए, क्योंकि बौद्ध दर्शन का जो प्रतीत समुत्पाद और क्षणिकवाद का सिद्धांत है वो तो स्वीकार करता नहीं, क्योंकि स्थायी सत्ता है और आत्मा का अमरत्व तो एक आत्मा को एक स्थायी सत्ता मान रहा है। तो बौद्ध दर्शन का प्रतीत समुत्पाद और क्षणिकवाद का सिद्धांत तो इसके लिए तैयार ही नहीं है। देखिए, दर्शन एक बहुत इंटरेस्टिंग विषय है और दर्शन एक कॉन्सेप्चुअल विषय है। अगर आप दर्शन शास्त्र को एग्जाम में अगर आप गणित के तरह नंबर आप पा सकते हैं, लेकिन आप तब पा सकते हैं जब आप दर्शन शास्त्र को रटे नहीं हो बल्कि समझे हो। दर्शन शास्त्र एक बहुत स्कोरिंग विषय है एग्जाम में, गणित के तरह आप नंबर आप बहुत आसानी से ले सकते हैं, लेकिन आपको दर्शन शास्त्र में गणित की तरह नंबर लेने के लिए आपको दर्शन शास्त्र को बहुत समझना पड़ेगा और एक दार्शनिक अंदाज में भी एग्जाम में लिखना पड़ेगा। उन दार्शनिक शब्दों शब्दावलियों का भी प्रयोग करना पड़ेगा जो दर्शन में बहुत आवश्यक है। और आपको आप देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग है, सिलेबस निश्चित है, कम है, छोटा है और बहुत हद तक पेपर भी स्थायी होता है।
ठीक है, लेकिन अगर आप उसको रट कर लिख रहे हैं बिना समझे तो मेरे अनुसार से नंबर नहीं मिलेगा। और मैंने जो दर्शन शास्त्र का पूरा यहाँ लेक्चर शुरू किया है वो इसीलिए शुरू किया है ताकि जहां जो कंफ्यूजन का क्षेत्र है दर्शन के क्षेत्र में, मेरा जहां तक अपना ज्ञान है, जहां तक मैंने अध्ययन किया है, मैं विस्तार से आपको बता सकूं। अपने 20 साल की तैयारी में मैं दर्शन शास्त्र के जिन गूढ़ विषयों को समझा हूं उन्हीं गूढ़ विषयों को आप तक पहुंचाने का प्रयत्न मैंने इस चैनल को बनाया है, ठीक है? क्योंकि आप तक पहुंचने और आप तक अपने उन अनुभवों को पहुंचाने का मेरे लिए माध्यम है। इसलिए आप लोग अगर ध्यान से दर्शन शास्त्र के मेरे पूरे लेक्चर देखेंगे तो निश्चय ही आपको सहयोग मिलेगा, और जिन कठिन सब चीजों को आप नहीं समझ पा रहे हैं वो बहुत आसानी से आप समझ जाए। तो आत्मा की अमरता वह धार्मिक विश्वास है जो ये मानती है कि मनुष्य के शरीर के समापन होने के बाद, मनुष्य के मृत्यु के बाद भी किसी न किसी रूप में आत्मा का अस्तित्व रहता है। इसी धार्मिक अवधारणा को, इसी धार्मिक विश्वास को, इसी धार्मिक आस्था को, इसी धार्मिक ज्ञान को क्या कहा जाता है? आत्मा का अमरत्व, आत्मा की अमरता या इमोर्टेलिटी ऑफ सोल। गीता में भी आत्मा की अमरता का बखान बहुत अच्छा से किया गया है। आत्मा को अजन्मा, शाश्वत, नित्य तथा सनातन माना गया है। इस लोक में शरीर के नष्ट होने के बाद भी आत्मा का नाश नहीं होता। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर, जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी जीर्ण शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है, और इसी को कहा जाता है पुनर्जन्म। और इसी पूरे प्रोसेस को बार बार प्रोसेस जो रहता है इसी को कहते हैं आत्मा की। नैनम छिद्रांति शस्त्राणि नैनम दाहति पावक न चैनम क्लेद्यन्तापो न शोषयति मारुतः। अर्थात शस्त्र जिसको काट नहीं सकते हैं, जिसको अग्नि जला नहीं सकती, और जिसको जल भिगो नहीं सकता, और जिसको वायु सुखा नहीं सकती, उसी को क्या कहते हैं? आत्मा। और यह आत्मा की अमरत्व की महान संकल्पना दिया गया है किसमें? गीता में। नैनम छिद्रांति शस्त्राणि नैनम दाहति पावक न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मार्। जिस प्रकार मनुष्य नए पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी जीर्ण शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है, इसी को कहा जाता है आत्मा की। और भारत के अगर चार्वाक और बौद्ध को छोड़ दिया जाए तो लगभग लगभग सभी दर्शन जो हैं गीता के इसी सिद्धांत को स्वीकार करते, ठीक है? ये तो आत्मा की अमरता का हम लोग अर्थ समझ गए, संदर्भ समझ गए और परिभाषा समझ गए। अब प्रश्न ये उठता है कि आत्मा की जो अमरता है यानी मृत्यु के बाद जो आत्मा बच रही है वो व्यक्तित्व पूर्ण है या व्यक्तित्व रहित है? दो बात समझा जाता है। तो अपने इस आधार पर यानी अगर पूरे दुनिया के विचारधाराओं को आत्मा के संबंध में सारे विचारधाराओं को अगर देखा जाए तो इस संदर्भ में आत्मा की अमरता के संबंध की विचारधाराएं दो भागों में बढ़ जाती हैं। पहला व्यक्तित्व पूर्ण अमरता और दूसरा व्यक्तित्व रहित अमरता। यानी आत्मा की अमरता दो प्रकार की हो गई, पहला व्यक्तित्व पूर्ण अमरता, ठीक है ना, और दूसरा है व्यक्तित्व रहित अमरता। आइए एक एक ध्यान से समझा जाए क्योंकि जब एग्जाम में आप विश्लेषण करेंगे तभी नंबर मिलेगा। मान लीजिएगा रट के, अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये दर्शन शास्त्र है, दर्शन शास्त्र में रट के नहीं मिलेगा नंबर। दर्शन शास्त्र में जितना ही आप विश्लेषण करते हैं, जितना ही आप उधेड़ बुन करते हैं, तो एग्जामिनर जरूर समझता है कि आप विषय के निकट हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में हमेशा विषय के निकट रहना चाहिए। यानी कि जैसे एक गाय किसी रस्सी में खूंटे से बंध के चारों ओर घूमती है उस खूंटे के, तो आपको विषय क्षेत्र के ही अगल बगल ही घूमते रहना, बहुत बहने जाना है। तो हमेशा आप याद रखिएगा कि आपको जब भी दर्शन शास्त्र में आप लिख रहे हो
आपका अंदाज दार्शनिक ही होना चाहिए। आप समाजशास्त्र नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना, आप अर्थशास्त्र नहीं लिख रहे हैं। उनकी शब्दावलियां अलग हैं, उनके लेखन की शैलियां अलग हैं, लेकिन जैसे ही आप दर्शन शास्त्र में आ रहे हैं, इसका विश्लेषण होगा और मूल्यांकन तो निश्चित होगा। मूल्यांकन में आप आलोचना भी बताएंगे, दर्शन शास्त्र में आलोचना में मूल्यांकन बहुत जरूरी है। यानी आपको पॉजिटिव तो बताना है, साथ में निगेटिव भी बताना है और अंतिम निष्कर्ष लिखना। दर्शन शास्त्र में आलोचना परम आवश्यक है। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि इस लेक्चर को एग्जाम में कैसे लिखा जाएगा और कैसे इसका मूल्यांकन भी किया जाए। आइए एक एक करके हम लोग देखा जाए। तो आत्मा मृत्यु के बाद आत्मा व्यक्तित्व पूर्ण है, यानी आत्म चेतना से परिपूर्ण उसका व्यक्तित्व है या नहीं है। अगर है तो उसको कहा जाता है व्यक्तित्व पूर्ण अमरता, और अगर नहीं है तो उसको कहा जाता है व्यक्तित्व रहित अमरता। यानी व्यक्तित्व के आधार पर अमरता, अमरता सब मानना है, लेकिन वो दो प्रकार से अमरता मानना है, एक व्यक्तित्व पूर्ण, दूसरा व्यक्तित्व रहित। तो सबसे पहले व्यक्तित्व पूर्ण अमरता। व्यक्तित्व पूर्ण अमरता का मतलब ये हो गया कि मृत्यु के बाद आत्म चेतना से परिपूर्ण आत्मा का व्यक्तित्व जिंदा रहता है। यानी मृत्यु के पश्चात आत्म चेतना से परिपूर्ण आत्मा का अस्तित्व रहता है, इसी को कहा जाता है व्यक्तित्व पूर्ण अमरता। यानी मृत्यु के बाद भी चेतना का समापन नहीं होता है। भाई हमारे वहां अगर सनातन धर्म को देखा जाए तो हम तो यही मानते हैं ना कि आत्मा चैतन्य परिपूर्ण है। मृत्यु के बाद शरीर का अंत हो रहा है, लेकिन आत्मा क्या हो रहा है, चैतन्य परिपूर्ण, चेतना से परिपूर्ण है, अनुभूतियों से परिपूर्ण है। सो बल्कि वो सर्वशक्तिमान हो गया। तो सनातन धर्म में तो व्यक्तित्व पूर्ण अमरता ही मान लिया गया कि मृत्यु के बाद आत्म चेतना से परिपूर्ण आत्मा का अस्तित्व है, इसीलिए इसको कहा गया व्यक्तित्व पूर्ण अमरता। व्यक्तित्व पूर्ण अमरता यह मानती है कि मृत्यु के पश्चात भी आत्म चेतना से परिपूर्ण आत्मा का अस्तित्व उपस्थित रहता है, इसी को कहा जाता है व्यक्तित्व पूर्ण अमरता। दूसरा है व्यक्तित्व रहित अमरता। यह मानता है कि चैतन्य युक्त आत्मा का अस्तित्व तो नहीं रहता है, लेकिन कई परिस्थितियों में मनुष्य आत्मा जिंदा रहता है। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, पहले लोग देखा जाए व्यक्तित्व पूर्ण अमरता क्या है, इसका उल्टा वो होगा, तो वो हम लोग भी जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। पहले हम लोग देखा जाए कि व्यक्तित्व पूर्ण अमरता क्या है। देखिए, लेकिन जो आत्म, अब व्यक्तित्व पूर्ण अमरता में मैंने बताया कि आत्म चेतना से परिपूर्ण आत्मा का अस्तित्व जिंदा है, रहता है, लेकिन आत्म चेतना से परिपूर्ण आत्मा का जो अस्तित्व है वो शरीर सहित है कि बिना शरीर के। जो ये मानता कि आत्म चेतना से परिपूर्ण आत्मा का अस्तित्व तो है लेकिन वो शरीर सहित नहीं है, तो उसको कहा जाता है अशारीरिक अमरता, ठीक है ना। और जो ये मानता है कि आत्म चेतना से परिपूर्ण आत्मा का अस्तित्व सदेह है, माने शरीर के सहित है, उसको कहा जाता है शारीरिक अमरता। तो सबसे पहले देखा जाए अशारीरिक, यानी व्यक्तित्व पूर्ण अमरता शरीर को लेकर दो भागों में बट जाता है, अशारीरिक और शारीरिक। तो सबसे पहले देखा जाए अशारीरिक अमरता, यानी कि अशारीरिक अमरता का मतलब क्या हुआ कि मृत्यु के बाद देह का तो अंत हो जाता है, शरीर का तो अंत हो जाता है, लेकिन आध्यात्मिक द्रव्य के रूप में, आध्यात्मिक तत्व के रूप में आत्मा का अस्तित्व तो रहता ही रहता है। शायद इसीलिए सनातन धर्म में मृत्यु को क्या कहते हैं, आत्मांत नहीं बोलते हैं, देहांत बोलते हैं। देहांत माने देह का अंत होता है, आत्मा का अंत नहीं होता है। तो भारतीय सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में आत्मा को क्या माना गया है, अशारीरिक रूप से अमरत्व माना गया है। क्या मतलब हुआ, अशारीरिक अमरता किसमें है, सनातन धर्म में, पूरे सनातन धर्म में, और पश्चिमी दर्शन के जगत में प्लेटो भी मानता है कि आत्मा अशारीरिक और अमर है। तो अशारीरिक अमरता का मतलब परिभाषा क्या हुआ कि मृत्यु के पश्चात शरीर का तो अंत हो जाता है,
ठीक है ना, लेकिन आध्यात्मिक द्रव्य के रूप में आत्मा का अस्तित्व बना रहता है, इसी को कहा जाता है अशारीरिक अमरता। तो पहला अनु व्यक्तित्वपूर्ण अमरता बटा और व्यक्तित्व रहित अमरता, व्यक्तित्वपूर्ण अमरता दो भागों में बटा, अशारीरिक और शारीरिक। अशारीरिक हमने देख लिया, अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि शारीरिक अमरता क्या होता है। देखिए शारीरिक अमरता यह मानता है कि मृत्यु के पश्चात, ठीक है, मृत्यु के पश्चात मनुष्य का के जीवन का तो अंत हो जाता है, मृत्यु के पश्चात मनुष्य के जीवन का तो अंत हो जाता है, लेकिन शारीरिक सदैव रूप से आत्मा का अस्तित्व जिंदा रहता है। मृत्यु के पश्चात मनुष्य के जीवन का तो अंत हो जा रहा है, लेकिन शरीर सहित आत्मा का अस्तित्व बना रहता है, यानी यह सदैव अमरता की बात करते हैं, ठीक है ना। और मनुष्य अंतिम दिवस के उस दिन का इंतजारी करता है जब उसे अंतिम निर्णय के दिन, अंतिम निर्णय के दिन, यानी ये लोग आत्मा की अमरता को सदैव मानते हैं, ठीक है ना। ये लोग क्या मानते हैं, आत्मा की अमरता को क्या मानते हैं, सदैव मानते हैं, ठीक है ना। तो इनके पश्चात, मृत्यु के पश्चात मनुष्य पुनर्जन्म नहीं ले रहा है। सदैव अमरता वाले या सारिक अमरता वाले क्या करें कि मृत्यु के पश्चात मनुष्य जो है वो पुनर्जन्म नहीं लेता है, लेकिन इसके पश्चात सशरीर रूप से आत्मा सशरीर रूप से उस अंतिम निर्णय के दिवस, उस अंतिम निर्णय के दिवस की इंतजारी करती है। अंतिम निर्णय, अंतिम निर्णय के दिवस की इंतजारी करती है, अंतिम निर्णय के दिन की इंतजारी करती है जब उसको सशरीर ईश्वर के समक्ष उपस्थित किया जाएगा और उसके शुभ और अशुभ कर्मों के आधार पर उसको स्वर्ग और नरक क्या किया जाएगा, भेज दिया जाएगा। यानी सदैव अमरता वाले यह मानते हैं, शारीरिक अमरता वाले यह मानते हैं कि मृत्यु के उपरांत भी मनुष्य के शरीर का अंत नहीं होता है और आत्मा शरीर सहित जीवित रहती है, शरीर सहित वो जीवित रहती है, ठीक है ना। और शरीर का नाश नहीं होता है और आत्मा सशरीर जीवित रहती है और अंतिम निर्णय के उस दिवस का इंतजार करती है जब उसे ईश्वर के समक्ष उपस्थित किया जाएगा और उसके अच्छे और बुरे कर्मों का निर्णय किया जाएगा। अच्छा कर्म है तो स्वर्ग भेज दिया जाएगा, बुरा कर्म है तो नरक भेज दिया। यानी शारीरिक अमरता वाले ये नहीं मानते हैं कि मृत्यु के बाद शरीर का अंत हो रहा, वो ये मान रहे हैं कि सशरीर आत्मा जिंदा है, सदेह आत्मा जिंदा है, सदेह आत्मा व्यक्तित्वपूर्ण रूप से जिंदा है, लेकिन वो इंतजार ही कर रहा अंतिम निर्णय के दिवस का और उस अंतिम निर्णय के दिवस पे उसे ईश्वर के समक्ष पेश किया जाएगा और अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार उसको क्या की भेज दिया जाएगा, उसको स्वर्ग या नरक। शायद यही कारण है कि शारीरिक अमरता के सिद्धांत को स्वीकार करने वाले, शारीरिक अमरता के सिद्धांत को स्वीकार करने वाले दाह संस्कार नहीं करते हैं बल्कि मृतकों को जमीन के अंदर गाड़ते हैं, क्योंकि मान है कि वो सशरीर जीवित है और इसी शरीर सहित वो अंतिम निर्णय के दिवस पर क्या होगा, ईश्वर के समक्ष उपस्थित होंगी। तो चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे यहूदी धर्म हो, वो किसको मानते हैं, शारीरिक अमरता मानते हैं। इसीलिए वो दाह संस्कार सनातन धर्म या हिंदू धर्म के तहत तो दाह संस्कार नहीं करते हैं, वो जलाते नहीं है सबको। भाई हमारे वहां तो माना जाता है कि शरीर का अंत हो गया, उनके वहां माना जाता नहीं, सशरीर आत्मा जिंदा है, ध्यान से समझिए इसको आप। और जब सशरीर आत्मा जिंदा है तो हम जलाए क्यों, उसको जमीन में गाड़ दीजिए, क्यों गाड़ेंगे, क्योंकि अंतिम दिवस की इंतजारी कर रहा है सशरीर, जब उसको ईश्वर अल्लाह गॉड के समक्ष क्या किया जाएगा, उसको उपस्थित किया जाएगा और उसी अंतिम निर्णय के दिन उसके उसका क्या किया जाएगा,
लेखा जोखा देखा जाएगा कि भैया शुभ कर्म किया अशुभ कर्म किया, अगर शुभ या अशुभ कर्म किया है, शुभ कर्म किया स्वर्ग भेज दिया जाएगा और अशुभ कर्म किया तो नरक, ठीक है। लेकिन चूंकि ईश्वर को पूर्ण रूप से प्रेम में ईसाई धर्म में माना गया है, इसलिए ईसाई धर्म यह मानता है कि पापी हमेशा के लिए समाप्त कर दिए जाएंगे। अब देखिए हर कोई यहां यह मानना कि आत्मा चाहे पाप पुण्यात्मा हो चाहे पापी हो सबकी आत्मा जीवित रहेगी, हाँ उसको स्वर्ग नरक भेज दिया जाएगा, लेकिन ईसाई धर्म में ईश्वर को अगाध प्रेम में माना गया, पूर्ण शुभ माना गया है। इसीलिए ईसाई धर्म में यह भी प्रथा प्रचलित है, यह भी मान्यता प्रचलित है कि पापी की हमेशा के लिए समापन कर दिया जाएगा, यानी पाप की पारिश्रमिक मृत्यु है, यानी पापी को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। इस प्रकार का जो अमरता है वो सीमित अमरता कहलाता है, यानी ईसाई धर्म में सीमित अमरता का सिद्धांत है। क्यों सीमित अमरता का सिद्धांत है? कि केवल पुण्यात्मा जिंदा रहेंगे, पुण्यात्मा जो अच्छे कर्म कर वही जिंदा रहेंगे, पापी हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाएंगे, पाप की पारिश्रमिक मृत्यु है। लेकिन यह सीमित अमरता का उदाहरण है। इसके विपरीत अगर भारत में देखा जाए तो भारत की अमरता असीमित है, चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो चाहे जीव जंतु हो सबकी आत्मा अमर है, लेकिन इसके विपरीत ईसाई धर्म में आत्मा क्या अमरता क्या माना गया? सीमित अमरता माना गया। तो हम लोगों ने देख लिया कि आत्मा की अमरता व्यक्तित्व पूर्ण और व्यक्तित्व रहित में विभाजित है। व्यक्तित्व पूर्ण अमरता दो भागों में है, अशारीरिक और शारीरिक। ये तो हमने पूरा परिभाषा आप समझ गया और इसकी आलोचना भी हमने आपको करके बता दिया कि अगर शारीरिक अमरता को में पारिश्रमिक मृत्यु मानी गई पापी की तो वो एक प्रकार से सीमित अमरता का उदाहरण है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं। भारत की जो सनातन धर्म है हिंदू धर्म है, कोई हो चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो, आत्मा का तो अंत हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो लेकिन ईसाई मत में तो सीमित अमरता का सिद्धांत, ठीक है। तो ये हो गया शारीरिक अमरता। अब आइए देखा जाए व्यक्तित्व रहित अमरता। जनरली जितने निरीश्वरवादी सिद्धांत हैं या जनरली निर्गुण सिद्धांत है वो व्यक्तित्व रहित अमरता की बात करते हैं। तो व्यक्तित्व रहित अमरता जो है वो दो भागों में बंटता है, पहला सामाजिक दूसरा जैविक। अब प्रश्न उठता है कि सामाजिक अमरता क्या है। देखिए सामाजिक अमरता यह मानता है कि मृत्यु के पश्चात भी मनुष्य अपने क्रांतिकारी विचारों अपने महान कार्यों तथा अपने कर्मों से तथा अपने विचारों से तथा अपने सिद्धांतों से जीवन भर लोगों का मार्गदर्शन करता है, युग युगांतर तक लोगों का मार्गदर्शन करता है और लोग उसके सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं, लोग उसके सिद्धांतों को स्वीकार आदर्श मानते हैं, लोग उसके कर्मों का अनुसरण करते हैं और यही बात लोगों को क्या करती है? अमर बनाती है। चाहे बुद्ध हो चाहे महावीर स्वामी हो चाहे स्वामी विवेकानंद हो, इन लोगों की अमरता क्या है? सामाजिक अमरता है, क्योंकि इनके कर्म इनके क्रांतिकारी विचार इनके आदर्श इनके सिद्धांत लोगों का आज तक मार्गदर्शन कर रहे हैं, इनके कर्म लोग आज भी अनुसरण कर रहे हैं। इस प्रकार से लोगों के सिद्धांतों में लोगों के कर्मों में लोगों के आदर्शों में इन लोगों के आदर्श सिद्धांत और कर्म आज भी जिंदा हैं, इस प्रकार से वो लोग क्या हो गए? अमर हो। लेकिन सामाजिक अमरता तो एक प्रकार से सीमित अमरता का उदाहरण हो, क्यों? क्योंकि सभी तो क्रांतिकारी विचारों वाले हैं नहीं, सभी तो महान सिद्धांतों वाले हैं नहीं, सभी के कर्म उच्च कोटि के तो हैं नहीं, तो एक अमरता तो कुछ ही लोगों को मिलेगा। और जिनके कर्म अच्छे नहीं हैं या जिनके कर्म बहुत महान नहीं है, सामान्य मनुष्य है, तो क्या उसको अमर होने का अधिकार नहीं है? ये इसकी आलोचना, ठीक है ना। सामाजिक अमरता का ये आलोचना हो गया कि भाई इससे तो बहुत कम लोगों को ही अमरता मिल पाएगा, जो क्रांतिकारी विचारों वाले हैं जो महान आदर्शों वाले हैं जो उच्च कोटि के कर्मों वाले उन्हीं को मिल पाएगा ना। इस प्रकार से केवल बुद्ध हो गए महावीर स्वामी हो गए स्वामी विवेकानंद और जो बड़े बड़े महान विचारक हैं महानायक हैं महामानव उन्हीं लोगों को मिलेगा, लेकिन सामान्य लोगों को तो नहीं मिल पाएगा ना।
और ज्यादातर जनसंख्या तो सामान्य लोगों की है। तो यानी सामाजिक अमरता का जो सिद्धांत है वो सबके अमरता की व्याख्या कर माने में सफल नहीं। ठीक है, अब आइए जैविक अमरता। जैविक अमरता क्या है? कि मनुष्य मृत्यु के बाद भी अपने संतान के रूप में, अपने बच्चों के रूप में अमर रहता है, क्योंकि उसके मृत्यु के पश्चात उसके संतानों के माध्यम से माता पिता दादा बाबा इन लोगों का भी नाम चलता रहता है, उन लोगों का नाम भी इससे जुड़ा रहता है। और इस आधार पर, चूंकि संतानों का नाम जब लिया जाता है तो माता पिता का भी नाम आता है, और यही बात जो है माता पिता को क्या कर होता है, अमर बना देता है। भाई जब तक संतान जिंदा है तब तक, फलाने डेथ कर गए तो उनके संतान जिंदा है, फलाने डेथ कर गए उनके पोता जिंदा है, पौत्र जिंदा है, प्रपौत्र जिंदा है। इस प्रकार में क्या हो रहा है, खानदान में आने वाले वंशजों के नाम पर पुराने वंशजों का नाम क्या होता है, लिया जाता है, और यही बात माता पिता को अपने पुत्र के रूप में क्या बना देती, अमर बना देती। यानी जैविक अमरता में व्यक्ति अपने संतान के माध्यम से अमर रहता है, क्योंकि संतान के माध्यम से उसका नाम चलता रहता है और यही बात उसको अमर बना देता है। लेकिन जैविक अमरता में एक कमी है। कमी क्या है? इससे तो बहुत लोगों को अमरता का अधिकार मिल ही नहीं पाएगा। कैसे नहीं मिलेगा, जरा इसको समझिए। देखिए, बहुत ऐसे लोग हैं जिनका शादी ही नहीं होता है, जिनका शादी विवाह भी नहीं होता है, तो उनके तो संतान पैदा होंगे नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, वो अमर नहीं है, क्योंकि जैविक अमरता तो कह रहा है कि मनुष्य अपने संतान के माध्यम से अमर है। तो यहां तो बेचारे का शादी ही नहीं हुआ तो अमर कैसे होगा, पहला पहले इसकी आलोचना होगी। दूसरी क्या आलोचना है, बहुत लोगों का शादी विवाह होता भी है तो उनके बच्चे नहीं होते, इस प्रकार से अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उसको भी अमरता का अधिकार नहीं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जैविक अमरता भी सबको प्राप्त नहीं हो सकता है, और जैविक अमरता अमरता आत्मा की अमरता की पूर्ण व्याख्या नहीं कर पाता। तो इस प्रकार हमने देखा कि आत्मा की अमरता एक संकल्पना है जो सनातन धर्म में और अन्य धर्मों में एक उच्च कोटि का आदर्श है, और आत्मा की अमरता एक सिद्धांत है जो केवल एक कपोल कल्पित अवधारणा नहीं हो सकती। हमारे शरीर में है कौन जो बोल रहा है? फिर हम ये कहते हैं कि मनुष्य का देहांत हो गया, तो आखिर शरीर में ऐसा क्या था जो निकल गया और उसका अंत हो गया? क्या था कि इसी शरीर के लिए लाखों जतन हो रहे हैं, और क्या निकल गया जो सीधे उसी शरीर को जला दिया जा रहा है? यानी कुछ तो था और वही आत्मा था। चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, आपके शरीर के अंदर एक चैतन्य द्रव को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। 22 महात्मा बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व को नहीं स्वीकार किया, लेकिन अपने सिद्धांतों की व्याख्या करने के लिए उनको पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत को मानना पड़ा, क्योंकि अगर इसको नहीं मानते तो उनका प्रतीत समुत्पाद का विचारधारा ही गलत हो जाता, जो कार्य कारण के सिद्धांत पर आधारित है, जो ये बताता है कि मनुष्य जो है उसके जो उसकी जो अविद्या है और संस्कार, उसके वजह से बार बार जीवन मरण के चक्र में उसको फंसना पड़ता है। जो द्वादश अंग हैं प्रतीत समुत्पाद के, उस द्वादश अंग के कारण उस व्यक्ति को बार बार जीवन मरण के जन्म चक्र में फंसना पड़ता है। यानी आत्मा को न मानकर आत्मा के सबसे बड़े आदर्श पुनर्जन्म को मानना पड़ा और कर्म सिद्धांत को भी मानना पड़ा। तो आत्मा को न मान रहे हैं तो भी आपको मानना पड़ेगा, तभी तो मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। यानी आप चाहे सकारात्मक सोच रहे हो चाहे नकारात्मक सोच रहे हो, लेकिन सोचने में ही आप आत्मा का अस्तित्व सिद्ध कर दे रहे, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। क्लियर हो रहा है?
इस सिद्धांत को भी मैं पाश्चात्य दर्शन में विधिवत आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आज हम लोग आत्मा के अमरता के सिद्धांत को धर्म दर्शन के तहत पढ़ा गया, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस दर्शन की अटूट श्रृंखला को जो आत्मा की अमरता के तहत आज हम लोगों ने पढ़ा है, इसको आपको जरूर समझ में आया होगा। और निश्चय ही अगर कोई कॉन्सेप्ट बचा होगा वो आप जरूर समझ गए होंगे। इसी तरह दर्शन शास्त्र में अन्य भी सारे लेक्चर मैं आपके समक्ष लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।